ऐसा, यहाँ पे हमने सैमसंग A50 का CPU लगा लिया है, और CPU लगाने के बाद A50S का, और इसमें ये देखेंगे स्विचिंग करके कि हमारा CPU सही से लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट CPU लगाने के बाद उनको ये प्रॉपर मालूम नहीं होता है कि हमारा CPU जो बैठा है वो प्रॉपर बैठा है कि नहीं बैठा है, उसका DC से कितना रीडिंग आनी चाहिए और सिस्टम में किस तरह का पोर्ट बनता है, ये सारी चीज़ स्टूडेंट को प्रॉपर पता नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी हमने इसमें CPU लगा दिया है, और यहाँ पे अभी DC से स्विचिंग करके देखेंगे यहाँ पे कितने एम्स ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्लस और माइनस दोनों लगा लिया है, और यहाँ पे पावर की मैं यहाँ पे देख सकते हैं, पावर की जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, यहाँ पे DC में स्विचिंग लेनी चाहिए, नहीं ले रही पावर की बटन। विदाउट रैम और विदाउट हार्ड डिस्क ये स्विचिंग ले रहे हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं 5 तक आएगा ये, और 5 पे आने के बाद इस तरह से स्टक हो जाएगा, और जब छोड़ देंगे बटन निकल। हाँ, पावर की अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा DC की स्विचिंग जो कि विदाउट रैम और विदाउट हार्ड डिस्क, एक बार थोड़ा सा बताना हार्ड डिस्क और रैम लगा है कि नहीं लगा। यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट, इसमें MMC भी, इसका UFS भी नहीं लगा है और RAM भी नहीं लगा है, ठीक है। और इसका यहाँ पे पोर्ट भी बताना चाहूँगा मैं सिस्टम में आपको, कि जो Zynox का CPU है या कौन सा है। यहाँ पे आपको CPU लगाने के बाद पोर्ट भी हम सिस्टम से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेंगे, और डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ही हम यहाँ पे USB इन करेंगे बन गया port.com। यहाँ पे देख सकते हैं Zynox 9610 इसका Zynox का यहाँ पे पोर्ट बन चुका है, जो कि हमारा CPU अभी परफेक्ट बैठ चुका है यहाँ पे। तो ये इस तरह से CPU सही से बैठा है नहीं बैठा है प्रॉपर चेक करने का ये एक प्रॉपर तरीका है। ये सारी चीज सीखना चाहते हैं आप तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया है, कॉल कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है 17 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, आप सारी चीज़ अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और यहाँ पे जो कोर्स में आपको सिखाया जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC प्लस UFS प्रोग्रामिंग, या MMC चेंज और UFS चेंज किस तरह से करते हैं, और ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड सारे IC किस तरह से आपको खोलना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी। फॉल्ट फाइंडिंग हो गया, और सॉफ्टवेयर में आपको फ्लैशिंग, FRP, अनलॉकिंग, प्लस MMC में UFI और इजी अटैक दोनों चीज़ बताई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसी प्रो हमारे पास है, आईफोन की आपको एक NAND अपग्रेड या फिर प्रोग्रामिंग भी बताएंगे साथ ही साथ, और UFI प्लस इजी अटैक, यहाँ देख सकते हैं इजी अटैक प्लस UFI की प्रोग्रामिंग भी आपको सारी चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो ज्वाइन करिए फोन फिक्स हैदराबाद, थैंक यू वेरी मच।